हाय एवरीवन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नमस्ते मुदस्सिर वानी शेख साहब सरदीप सिंह राहुल पीयूष उत्कर्ष क्या हाल चाल सब बढ़िया सब बढ़िया सर दस रुपए की पेप्सी पैप्सी से और सर क्या हाल है बढ़िया हो हम बढ़िया है कैसा चल रहा है तैयारी सब बढ़िया चल रहा है सर आपका वीडियो देख रहा है वन शॉर्ट देख रहा है और मेरी बात ध्यान से देखना ये बोर्ड ओरिएंटेड वीडियो है इसको नीट और जेई में लगाने की कोई जरूरत नहीं है इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बुक के सारे करवा रहा हूं टेक्सल क्वेश्चनों के साथ ओके okay, सर तुमने कहा हमने समझ लिया और क्या बोलना है और यह बोलना है कि बशीर साहब आज वन शॉट टू रहेगा जिसमें हम चैप्टर नंबर टू को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के दट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम दट इज केमिस्ट्री का इलेवंथ जेके बोस अच्छा ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पहले चैप्टर में भी पढ़ी थी वहां पे हमने ये चीज सीखी थी कि दुनिया की या कायनात की कोई भी चीज जैसे मैंने पे लिया है डस्टरवा क्या लिया है डस्टरवा डस्टरवा कोई भी चीज बशीर साहब दुनिया की कोई भी चीज वो किससे बनी होती है वो बनी होती है एटम 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 डम डम आटम, 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 दम, आटम, डम एटम डम 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 एटम

एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो टूटेगा नहीं तो आपको क्या मिलेगा एटम तो एटम को कभी तोड़ा नहीं जा सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन ये चीज बोली बट साइंटिस्ट सोचा यार क्यों नहीं तोड़ सकते हम उसको उसको तोड़कर देखते हैं और वैसे ही तोड़ने का काम किया एटम को तोड़ने का काम किया दट इजे जेब थॉम्सन जे जे थॉम्सन बड़े, बड़े खतरनाक साइंटिस्ट जे 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 ने को को तोड़ा आटम को तोड़ा विद एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट कैथोड जिससे गया और उसमें से एक नई चीज निकाली गई जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं था क्या निकाला गया दा गया इलेक्ट्रॉनवा यहां पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है अच्छा इसने यूज क्या की इसने कैथोड रेस ट्यूब यूज की ये जो आपके सामने ट्यूब बन रही है आराम से समझना मैं क्या बोल रहा हूं ये जो ट्यूब है ये ग्लास की बनी हुई ट्यूब है जिसको मैं क्या बोल रहा हूं डिस्चार्ज ट्यूब क्या बोल रहा हूं डिस्चार्ज ट्यूब ये किससे बनी हुई है ग्लास की बनी हुई है ठीक इतनी बात समझ आ गई ये ये इसमें इलेक्ट्रोड फिट है और इसका नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के छोटे डंडे के साथ नेगेटिव के साथ क्या है कनेक्टेड है इसलिए इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं कैथोड और ये क्या रहेगा हमारे पास नेगेटिव अच्छा समझना ध्यान से यहां पे मतलब डर करके जाते हैं डर करके जाते, हैं। कर कर जाते हैं। अभी नहीं हम उसके बारे में बात करेंगे बट अभी देखते हैं ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये भी एक किसी इलेक्ट्रॉड के साथ इलेक्ट्रॉड के साथ कनेक्टेड है ठीक है जिसको आप क्या बोल रहे हो अनॉड बोल रहे हो बात समझ आई कि नहीं है अब हुआ क्या अब हुआ ये के 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 यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचते थे अब यहां पे पहुंचते थे तो हाई वोल्टेज थी, तो यहां पे होते थे, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आके इसको धक्का तो क्या क्या बशीर साहब एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया is, क्या रेज, कोई भी डाउट होगा मेरा नंबर आपके पास है आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना है शर्माना नहीं है कोई मसला नहीं है

फिर ये हमारे पास क्या पॉजिटिव टर्मिनल और इस पॉजिटिव टर्मिनल के पीछे इस इस पॉजिटिव टर्मिनल के पीछे एक ऐसे क्या लगाया हुआ दैट इज ग्रीन 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 ग्लो ग्लो एक स्क्रीन होती है जो जिंक सल्फाइड की बनी होती है और ये जो एनोड है इसमें छोटे छोटे क्या कर दिए गए हुए सुराख कर दिए गए हैं अब होता क्या है जो इलेक्ट्रॉन यहां से चलता है कहां से चलता है यहां से चलता है डर ये सुराख से पास करता है और जैसे इधर टच करता है तो यहां पे का क्या बचता है चमकारा इसलिए वो ग्रीन क्या कर ग्रीन ग्लो लिखा हुआ है मतलब ये कैथोड रेज निकलती कहां से है कैथोड से और चलती कहां है एनोड की तरफ अच्छा क्या ये आ, आ, इनका नेचर क्या क्या है इनका मास होता है हाँ इनका मांस होता है अगर इसके बीच में इधर कहीं चरखा रख दिया जाए या फिरकी रख दी जाए तो वो फिरने लग जाएगी जैसे जैसे आप जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे फूंक मारते हो ना उसको चरखी सी होती थी छोटी बचपन में मिलती होती थी तो आप फूंक मारते थे तो वो घूमने लग जाती है डर्र घूमती थी ना वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं जो निकलते हैं यहां से यहां से निकलते हैं और अगर बीच में फिरकी रखोगे तो वो घूमने लग जाएंगी अब हुआ क्या कि मैंने क्या बोला मैंने बोला यहां पे ना हम हाइड्रोजन का एटम डाल देते हैं क्या डाल देते हैं यहां पे हमने हाइड्रोजन का एटम डाल दिया ये हाइड्रोजन का एटम डाल दिया आपने ठीक है आराम से समझना इस चीज को क्या किया आपने यहां पे यहां पे आपने हाइड्रोजन का एटम डाल दिया जब हाइड्रोजन का एटम डाल दिया तो उसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन है ना उसका अंदर प्रोटॉन होता है ये यहां पे क्या होता है प्रोटोनवा होता है अब हुआ क्या यहां से इलेक्ट्रॉन निकला ना जो ये इलेक्ट्रॉन आया ये इसको इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां से लेके उड़ा के लेके गया बात समझ आई कि नहीं आई तो इससे ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अब कल को यहां पे अगर हीलियम होता तो हीलियम के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन होते दो इलेक्ट्रॉन तो ये दो इलेक्ट्रॉन भी उड़ के इस तरफ जाते तो ये भी पता चल गया कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वे होते हैं हर एटम के अंदर

फलेक्शन टू वर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अब होता क्या है कि अगर मान के चलो यहां पर आपने पॉजिटिव प्लेट रख दी ठीक है पॉजिटिव प्लेट रखी तो क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मुड़ जाएंगे ना तो ये क्या बोल रहा है बशीर साहब जब अगर पॉजिटिव प्लेट इसके सामने रखोगे तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या कर जाते हैं मुड़ जाते हैं ठीक है डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करते हैं इट कैन आयोनाइज एयर एंड गैस ये एयर और गैस को आयोनाइज करते हैं जैसे हाइड्रोजन रखा था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के लाया था ना इट कैन पेनीट्रेट थ्रू द ग्राफाइड ये ग्राफाइड के अंदर घुस जाते हैं इट प्रोड्यूस द एक्स रेज एंड हीट वेन हीटिंग वेन हीट एट हाई मेटल जब कभी भी इलेक्ट्रॉन को हाई स्पीड के साथ मारा जाता है किसके साथ साथ किसी मेटल के साथ, तो वहां से अभी जो चीज बता रहा हूं याद कर लेना कि के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका मास होता है .1 10 और उसके पास जो चार्ज होता है वो क्या होता है माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टन रेज पावर माइनस नाइनटी कैसे निकाली हैं ये हमारे स्लेबस में नहीं है तो मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं ठीक है आगे चल के प्रोटोन और न्यूट्रॉन की भी बात करेंगे अच्छा फिर आता है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट एनोड रेड एक्सपेरिमेंट किया था नकल की थी गोल्ड स्टीन ने क्यों की थी ताकि वो क्या कर सके डिस डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कर सके क्या कर सके डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कर सके इसने भी कुछ नहीं किया आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना जो मैं बोलना चाहता हूं इसने भी कुछ नहीं किया इसने क्या किया आराम <laughs> से समझना इसने सबसे पहले बैटरी ली क्या ली बैटरी बैटरी का एक एंड होता है छोटा टर्मिनल निकी डंडी एक होता है बड़ी डंडी ठीक है एक होता है नेगेटिव टर्मिनल एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल ये हाई वोल्टेज था इसका टर्मिनल एक मेटल प्लेट के साथ आ, कनेक्ट करवाया ठीक है उसको क्या बोला गया कैथोड क्या बोला गया कैथोड फिर उस कैथोड में छोटे छोटे सुराख कर दिए जिसको आप बोलते हो परफोरेशन और इस बार रेड ग्लो इस बार क्या रेड ग्लो मतलब जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इस तरफ लगी इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड लगाई है किस साइड लगाई है लेफ्ट साइड लगाई है और यहां पे एयर एट at... और ये यह यहां पे ट्यूब लगी है जिसमें जो हवा है वेरी लो प्रेशर में है इतने ज्यादा प्रेशर में नहीं है अब ध्यान से देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक मेटल प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है जिसको आप क्या बोलते हो एनाट इसको बोलते हो प्लस और इसको क्या बोलते हो माइनस अब मेरी बात ध्यान से समझना होता क्या है कि इस ट्यूब में यहां पे इलेक्ट्रॉन होते है ना दो मिनट के लिए समझना तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कहां करते हैं इधर मतलब ये कैथोड रेज मूव कहां करती है इधर अब आराम से समझना इसमें अगर मैं हाइड्रोजन डाल दू तो क्या ये इसका इलेक्ट्रॉन भी ये चला डर इसके इलेक्ट्रॉन भी लेके इधर चला गया ना इधर क्या बचा इधर बचा सिर्फ H पॉजिटिव और क्या ये h पॉजिटिव किधर मूव करेगा इधर h पॉजिटिव कहां मूव करेगा टुवर्ड्स द कैथोड अब h पॉजिटिव गैस की वजह से है ये एनोड से नहीं निकला है ये गैस का है वो मूव करेगा बात समझ आई कि नहीं तो ये वाला जो पॉजिटिव मूव करेगा ऐसा लग रहा है एनोड की तरफ से मूव कर रहा है इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया गया एनोड रेज एक्स ट अच्छा ये एनोड से निकलता है ना निकलता है ये गैस की वजह से पैदा होता है अच्छा देखो सबसे पहला गैस कौन सी थी दैट इज हाइड्रोजन डाली हुई थी तो हाइड्रोजन में इधर बचा क्या है दैट इज वन ही बचा हुआ है हाइड्रोजन के अंदर तो यहां पर डिस्कवरी किसकी होगी प्रोटोन की और डिस्कवरी किसने की गोल्ड स्टीन ने की अच्छा कैथोड कैथोड्रेस इलेक्ट्रॉन कैथोड से चलते हैं इधर एनोड एनोड्रेस बनती है अगर गैस डालोगे बीच में और एनोड एनोड्रेस की प्रॉपर्टी गैस

ठीक है और इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है वेरी गुड सर इतना मुझे समझ आ गया ठीक है

ऑफ द एटॉमिक पॉजिटिव पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द गैस जो देखना द मास ऑफ द एटॉमिक पॉजिटिव पार्टिकल द मास ऑफ द एटॉमिक पॉजिटिव पार्टिकल इज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास ऑफ द गैस टिकन मतलब जो पार्टिकल चलेगा ना पॉजिटिव वो डिपेंड करेगा वो कौन सी गैस पे वो कौन सी गैस का है बात समझ है कि नहीं है ठीक है मैंने आपको बताया था ये हाइड्रोजन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये प्रोटॉन है इसने एग्जांपल दी है कि कोई ऐसा आइटम होता है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है कुछ ऐसा होता है जिसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है जैसे हाइड्रोजन और हीलियम की मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रखी है इसके बाद याद रखना एक रेशो होता है ये कैसे निकाली गई है हमारे सिलेबस में नहीं है बस इतना याद रखना चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज टू द मास रेशियो बोलते हैं ये किसके बराबर होता है 1.6 पावर इलेवन कूलम पर के ये हमारे सिलेबस में है, ये रेशो बुक पे लिखी हुई है पूछ सकता है बट कैसे निकाली है नहीं पता चला अच्छा चार जान इलेक्ट्रॉन किसने निकाला था दैट इज मुलकिन ने निकाला था इसी फॉर्मूले से निकाला था उसने क्या किया था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दिया था फिर इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई किया था और हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया था अच्छा उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी चैडविक ने इसने क्या किया था जो अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम इसने हीलियम को बम्बार किया बेरिलियम पे ठीक है बेरिलियम पे बंबार्ड किया तो वहां पे जनरेट हुआ कार्बन एटम और साथ में जनरेट हुआ न्यूट्रॉन इस तरह से हमारे न्यूट्रॉन की क्या हुई डिस्कवरी हुई दो मिनट के लिए पीछे चलते हैं और न्यूट्रॉन के बारे में मैं दो चीजें आपको और बता देता हूं कि न्यूट्रॉन क्या है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रल है इस पर कोई भी चार्ज नहीं है जीरो चार्ज है ठीक है जीरो चार्ज है और इसका मास तकरीबन तकरीबन प्रोटॉन के मास जितना ही होता है दैट इज वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस सेवनटीन के जी ओके सर अच्छा इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपने अच्छे से रीड करने हैं। देखो एक है एटॉमिक नंबर नंबर जैसे कार्बन लिखते हो, हो ना एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ है मास नंबर नंबर क्या बताता है सम है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का यह बात भी क्लियर होगी आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट मास नंबर ठीक है आइसोबार क्या हो गया एलिम एटम्स हैविंग द डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम बट सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर जैसे आप पोटेशियम ले लो

क्या होते हैं स्पीशीज हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे ओ2 नेगेटिव और सोडियम पॉजिटिव में दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं होप आपको इसकी समझ इसके बाद ना हमारे पास है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम या थॉमसन एटॉमिक मॉडल देखो थॉमसन एक ऐसा बंदा था जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया हुआ था चाचे ने ठीक है बशीर साहब तो ये बहुत इंटेलिजेंट था तो इसको ना सात छः सात बार नोबल पुरस्कार भी मिला हुआ था नोबल प्राइज भी मिला हुआ था तो इसने बोला यार मैंने इतनी डिस्कवरी कर दी अब ये मैं बता देता हूं कि आटम तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है बट वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है वही तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है एक्चुअली एटम एटम का का स्ट्रक्चर ऑफ मतलब क्या हो गया कि एटम 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 का का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या है का मतलब के अंदर इलेक्ट्रॉन कहा है प्रोटॉन कहां है न्यूट्रॉन कहां है तो इसने बताने की कोशिश की इसने बोला एटम वैसा ही होता है जैसे हमारा तरबूज होता है वॉटर मिलन होता है कट करो तरबूज को तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा दैट इज रेड पोर्शन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब प्रोटोन वाला पोर्शन होगा और जो सीड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन Uh, होगा बट बट उसने ये इसने ये कहा इसने ये कहा कि पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है जितना पॉजिटिव होता है उतना नेगेटिव होता है ठीक है बट उसने ये नहीं कहा कि कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है मैं थोड़ा रीड करवा देता हूं जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम प्लम पुडिंग मॉडल आर द बुलबेरी मफिन मॉडल भी बोलते हैं इसको इन 1904 नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रेजिन आर अ बुलबेरीज आर सराउंडिंग बाय अ पॉजिटिव चार्ज पुडिंग आर अ मफिन जैसे फॉर एक्जाम्पल ऐसे एक्सरेज स्ट्रीज है ना एक्सरेज स्ट्रीज में जो लाइट्स होती है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाकी बचा का पोर्शन है वो क्या है दैट इज दैट इज दैट इज पॉजिटिव चार्ज है उसी तरह से मफिन में भी होता है इसी तरह से और uh, जो हमारे बलबेरीज होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है बट आपको ये चीजें याद नहीं रखनी आपने वाटरमेलन याद करना ठीक है उसके बाद लिमिटेशन क्या है इसने नहीं बताया कि कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है और इसने रुदर फॉर्ड एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया रुदर फॉर्ड एक्सपेरिमेंट ने यह कहा था कि एटम के सेंटर में उसके जो रिजल्ट निकला था उसमें यह कहा गया था कि एटम के सेंटर में क्या होगा न्यूक्लियस होगा होप्स so, होप hope आपको यह चीज समझ आई होगी ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनो इसके बाद आता है रुदर फॉर्ड मॉडल ऑफ एन एटम जिसको ज, ज, जिसको मतलब रुदर फॉर्ड ने एक मॉडल ऑफ एन एटम दिया वो ऐसे ही सपने में आ गया ना सपने में नहीं आया बशीर साहब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसमें ने क्या लिया एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया ठीक है रेडियो एक्टिव सोर्स के ऊपर आप येलो और फेन बना हुआ देखते हो इसमें से उसने बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल छोड़ा अल्फा पार्टिकल मतलब क्या हो गया हीलियम

उसने ऑब्जर्व ये किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी पता क्या हुआ मैं आपको इधर थोड़ा बना के बता देता हूं कि उसने जो गोल्ड फाइल के एटम थे वो इस तरह थे ठीक है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी ठीक है वो जो गोल्ड फाइल है ना ये जो गोल्ड फाइल है इसके एटम मैंने ये बनाए ठीक है उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो अल्फा पार्टिकल था ना जो अल्फा पार्टिकल था तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या करता था एज सच पास कर जाता था तो इससे पता क्या चला मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम है फ्यू आर डिफ्लेक्टेड एट अ स्मॉल एंगल जो कुछ थे वो इस सेंटर में कुछ होने की वजह से थोड़ा सा क्या कर देते थे डिफ्लेक्ट कर देते थे मतलब ये अल्फा ये अल्फा रेज भी पॉजिटिव हैं तो ये बीच में कुछ होगा जिसकी वजह से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं मतलब यहां पे यहां पे कोई ना कोई सेंटर में पॉजिटिव चार्ज भी है ठीक है वेरी फ्यू गेट रिवर्टेड एट 180 एटी डिग्री मतलब इनमें से कुछ ऐसी होंगी जो बिल्कुल जैसे जाती थी वैसे ही वापस आ जाती थी तो इससे यह चीज कंफर्म होगी कि जो एटम है उसके सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव है कुछ ना कुछ पॉजिटिव है तो एक्सपेरिमेंट अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल्स वर अलो टू फॉल ऑन द गोल्ड फाइल गार्डेड बाय अ सर्कुलर स्क्रीन बता चुका हूं कंक्लूशन हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी इन अ वेरी स्मॉल पोर्शन इज कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ सेंटर कार्ड न्यूक्लियस तो निकनेक्स की डिस्कवरी किसने की थी पहली बार एटम के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बताने वाला कौन था दैट इज रुदर था उसने क्या किया कि उसने जब रेस फेंकी तो मैक्सिमम पास होगी तो बहुत सारी स्पेस एटम के अंदर एम है बट दो रीजन की वजह से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ और अपने रास्ते से वापस आ गई इसकी से उसने ये कहा कि ये जो है, तो कुछ कुछ है, है कंसेंट्रेट हो चुका है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके इर्द गिर्द क्या करता है रिवॉल्व करता है ठीक है रुदर फॉर अटोमिक मॉडल उसने न्यूक्लियस के बारे में बताया सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी विद विद अ डेंसिटी इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन ठीक है, That is nucleon. Nucleon एक नाम है. Nucleon किसका बोलते हैं प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अ प्लांट लाइक द प्लान यहां पर प्लेनेट्स है यहां पर क्या प्लेनेट्स अराउंड द सन और उसने क्या कहा कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द-गिर्द रिवॉल्व करता है जैसे प्लान रिवॉल्व करते हैं ड्रा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी इसने स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की ठीक अच्छा स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम पता क्या इसने यह कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे रिवॉल्व करता है ठीक है अगर रिवॉल्व करता है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होती है अगर वेलोसिटी चेंज हो तो इसके पास क्या है एक्सेलरेशन मैक्सवेल ने कहा था जो एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है जैसे एक्स रेज गामा रेज यूवी रेज जिसकी वजह से इसकी एनर्जी क्या हो जानी चाहिए अपनी एनर्जी लूज करता है मतलब चलोगे तो अपनी एनर्जी लूज करोगे तो एट लास्ट ये कहाँ ऐसे स्पायरल बन के कहाँ फैल हो जाएगा दैट इज पॉजिटिव में बट ऐसा होता नहीं है कि हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा गिरे ठीक है अगर जा गिरेगा तो एटम क्या हो जाएगा अनस्टेबल तो ऐसा कुछ होता नहीं है ठीक है उसके बाद उसने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम को नहीं समझाया ही फेल टू एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस एंड वट आर द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट इसने यह नहीं बताया इसने यह बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता बट इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है न्यूक्लियस के अराउंड इसके बारे में उस चाचा ने कुछ भी नहीं बताया ओके सर अच्छा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है याद रखना ठीक है इसी चैप्टर में है इसी चैप्टर में है बट कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है वो वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर कुछ एग्जांपल दे दो हमारे पास जो हमारी रोशनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ठीक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अफ आर द फंडामेंटल कंसेप्ट इन फिजिक्स रिप्रेजेंटेड द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द स्पेस ठीक है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी चार्ज वाली फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी जो मैग्नेट वाली फील्ड होती है ये याद रखना दीस वेव्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट ये किस कितनी रफ्तार से ट्रेवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से स्पीड ऑफ लाइट मतलब इसमें लाइट भी इंक्लूड होती है टू पावर एट मीटर पर सेकेंड एग्जीबिटिंग ड्यूल नेचर इसके दो न्यूचर होते हैं पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है बताऊंगा बाद में कैरिंग बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट पर पंडिकुलर टू ईच अदर ऐसे चलते हैं देख सर जैसे मैं वेव हूं ना तो मैं कैसे चलूंगा देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड ए इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलती है क्या इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ठीक है इसमें होता क्या इसमें कौन कौन सी वेव होती है इसमें रेडियो वेव्स होती है माइक्रोवेवस होती है इन्फ्रावेड होती है विजिबल लाइट होती है अल्ट्रावायलेट होती है एक्स रेज होती है और गामा रेज होती है मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव भी बहुत सारे इसमें भी बहुत सारे हिस्से हैं और हमारी लाइट भी इसका क्या है विजिबल लाइट भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हिस्सा है है ये इसकी एप्लीकेशन दे अ क्रूशल रोल इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द फाउंडेशन इन द फील्ड लाइक ऑप्टिक्स टेलीकम्युनिकेशन एंड स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन अ डाइवर्स एप्लीकेशन जैसे आपने देखा होगा एक्स एक्सरेज है टूटी बोन बोन हो तो एक्स एक्सरेज फेंक के पता करवाते जैसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है रेडियोज वेव हैं जब आप सिग्नल भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह आजकल लाइट भी आपने 5G सुना होगा तो लाइट भी सिग्नल लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन का इस कम्युनिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है देखो एक हमने वेव पढ़ी है वेव के कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं ठीक है बेसिक वेरिएबल ऑफ द वेव मोशन ठीक है वेव मोशन कौन से वाला हो गया ये वाला मोशन हो गया बात समझे कि नहीं ये वाला मोशन हो गया इसके कुछ बेसिक uh, क्या बोलते हैं बेसिक डेफिनेशन है वो याद कर लो the, जै, जैसे पहली डेफिनेशन है वेव लेंथ वेव लेंथ क्या होता है द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड द वेव लेंथ देखो ये वेव चलती है ना ये वेव ऐसे 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 ये क्रस्ट है ये ट्रफ है ये क्रस्ट है ये ट्रफ है ठीक है थीके? क्रस्ट, और क्रस्ट के बीच में जो दूरी रहेगी वो क्या होगा हमारा वेव लेंथ होगी बात आएगी नहीं इतना क्लियर रखना टाइम पीरियड क्या हो गया द नंबर द नंबर ऑफ सेकेंड बिटवीन द अराइवल ऑफ द टू एडजेसेंट वेव टाइम पीरियड क्या हो गया के द द वे टाइम रिक्वायर्ड बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन मतलब कितना टाइम लगा वेव को ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसको बोलते इसको बोलते हैं हैं टाइम पीरियड डिनोट करते टी के साथ और इसकी जो यूनिट रहती है वो सेकंड रहती है वेवलेंथ की यूनिट क्या रहती है मीटर रहती है ठीक है फ्रीक्वेंसी क्या होता है फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं और ये रसी ऑफ टाइम होता है इसको ऐसे इसकी यूनिट वन बाय एस भी होती है या वन बाय वन बाय सेकेंड भी लिखते हैं इसको इसकी पावर ऊपर जाएगा पर सेकेंड भी लिखते हैं और इसको हर्ट्स भी लिखा जाता है एम्पलीट्यूड क्या होता है एम्पलीट्यूड क्या होता है दैट इज हाइट ऑफ द वेव कि वेव यहां से कितनी ऊंची गई है इसको क्या बोलते हैं एम्पली ट्यूट ठीक है एम्पलीट्यूट क्या लगेगा द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम के पार्टिकल डिस्प्लेस करके कितना गया है ठीक है उसको क्या बोलते हैं उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्या होता है एक स्क्रीन होती है ठीक है स्पेक्ट्रम क्या होती है एक स्क्रीन होती है जिसमें आप क्या करते हो द अरेंजमेंट ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेव लेंथ जिसपे आप रिप्रेजेंट करते हो पूरे पूरी एनर्जीज किसकी एनर्जीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी को आप रिप्रेजेंट करते हो जिसमें आप देखो एक पैटर्न दिखाओगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ध्यान से देखो यहां से इधर जाओ तो वेवलेंथ बढ़ती है तो यह कैसी अरेंजमेंट है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ ठीक है या वहां से इधर जाओ याद रखना वेवलेंथ हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो उस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही होगी कम हो रही होती है अगर आप वहां से इधर चलो यहां से इधर चलो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ क्या होती है कम होती है ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है दैट इज इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम देखो इसमें देखो गामा रेस एक्स रेज अल्ट्रावायलेट रेस विजिबल स्पेक्ट्रम इंफ्रा माइक्रोवेव रेडियो को क्या किया हुआ है रिप्रेजेंट uh, किया हुआ है और ये लाइट को नीचे लगाया दैट इज वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो, ऑरेंज रेड देखो रेड के बाद क्या आया इंफ्रा ठीक है जिसकी वेवलेंथ इंफ्रा की वेवलेंथ कम होती है रेड से नहीं नहीं की वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड से और फिर ये वायलट है वायलट से पीछे क्या है अल्ट्रा वायलट अल्ट्रा वायलट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वायलट से वायलट की वेवलेंथ ज्यादा होती है अल्ट्रा वायल से होप आपको ये चीज समझ आई हो गी इसके बाद है हमारे पास प्लान क्वांटम थ्यूरम क्या है प्लान्स क्वांटम थ्यूरम देखो ये क्या बोलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इसको बोलते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरम मैं आपको ये बोल रहा मैं, मैं जो समझाने की सम... कोशिश कर रहा हूं इसको समझना देखो ये हमारा अर्थ है ठीक है ये हमारा क्या अर्थ है। ये हमारा सन है बोलता है सन हमारी तरफ लाइट फेंकता है इन दी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ठीक है और पैकेट को बोलते हैं क्वांटा ठीक है और लाइट का जो पैकेट स्पेशल पैकेट होगा उसको बोलेंगे फोटोन ठीक है वो बोल रहे जो ये एनर्जी ऑफ फोटोन है ना ये एनर्जी ऑफ जो फोटोन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू इधर एक कांस्टेंट आएगा एच इन म्यू ये जो एच होगा इसको बोलेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट इसके ऊपर मैं इतनी बात नहीं करूंगा सिर्फ कांस्टेंट याद रख लो दिक्स पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन रेस टू पावर माइनस थर्टी जूल सेकेंड यही चीज वो बोलने की कोशिश कर रहा है देख लो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ये जो एच आया ये क्या आया एच आया दैट इज प्लान उसकी वैल्यू क्या है दैट इज माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड सर आपने तो वहां थ्री पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन रेज टू पावर माइनस थर्टी फोर लिखा है वो मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप ये डेसिमल याद करोगे ना तो पावर भी आपको खुद ब खुद याद हो जानी चाहिए ठीक अच्छा ये क्या समझाता है ये बोलता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करती है ये ध्यान में रखना इसके क्या समझाता है कि लाइट पार्टिकल की फॉर्म में ट्रैवल करती है इससे पहले जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या पता चला था कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है मैं इसकी डेफिनेशन इधर लिख देता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ड्यू टू ड्यू टू फॉलिंग ऑफ फोटोन ठीक है देखो फोटोन की वजह से फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इफेक्ट बोलते हैं इसको ठीक है जब फोटोन यहां पे फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कोई मेटल सरफेस है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है ठीक अब देखो ध्यान से इधर इधर सुनना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किसने बेस्ट तरीके से किया आइंस्टाइन ने किया इसने ये कहा कि आपके पास जो मेटल सरफेस है उस पर इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है जो फोटोन आएगा ना एनर्जी ऑफ फोटोन क्या इज जो एनर्जी होगी किसके पास फोटॉन के पास फोटॉन के पास एनर्जी किसके पास होगी फोटॉन के पास होगी वो दो काम करेगी फोटॉन 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 एनर्जी ऑफ फोटॉन दो काम करेगी एक इस इलेक्ट्रॉन को यहां से पाटेगी, जिसको आप क्या बोलोगे वर्क फंक्शन इसको क्या बोलोगे वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन क्या करता है इलेक्ट्रॉन को पाटता है देखो ये जो एनर्जी आई इसका एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को पटेगा

एक एक फ्रीक्वेंसी वो है जो उसको पाटेगी जब तक पाटेगी वो मूव नहीं करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी कम और काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी कम जैसे वो यहां से पटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी अच्छा जितने जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करेंगे कितने फोटोन आप उसके ऊपर मार रहे हो अगर 10 फोटोन मारोगे 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 50 फोटोन मारोगे 50 फोटोन निकलेंगे ठीक है नंबर ऑफ फोटोन को बोलते हैं क्या इंटेंसिटी क्या बोलते हैं और इसको इंटेंसिटी और याद रखना कि जो नंबर ऑफ फोटोन है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता मतलब कितने फोटोन मतलब कितने फोटोन आ रहे हैं देखना कितने ऐसे लिख लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको सही कर लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड कि कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि एक फ़ोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है बहुत सारे फ़ोटोन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं एक फ़ोटोन के पास काबिलियत सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉन निकालने की ही है इससे पता क्या चलता है कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है पार्टिकल नेचर की मतलब वो सीधा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके आ रहा है बट हमें ये दिमाग में रखना है अगर आपको समझ भी नहीं आई है तो लाइट के दो नेचर होते हैं एक होता वेव नेचर एक होता कौन सा पार्टिकल नेचर ये याद रख लेना जो वेव नेचर होता है लाइट का जो वेव नेचर होता है लाइट का मैं इधर बता रहा हूं जो लाइट का वेव नेचर है उससे आप क्या क्या समझा सकते हो वेव नेचर से आप समझा सकते हो इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस समझा सकते हो ये ट्वेल्थ क्लास के टॉपिक है डिफ्रेक्शन समझा सकते हो ठीक है मतलब लाइट को वेव मानोगे तो ये समझ आएगा ये समझ आएगा पोलराइजेशन ठीक है तो अगर पार्टिकल मान रहे हो तो लाइट को अभी पार्टिकल माना था तो कौन कौन सा अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्या रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन समझ आया कि नहीं आया चलो मैं पढ़ा देता हूं ऑन मोस्ट ओकेशन वन सेट ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोस्ट सिग्निफिकेंट देखो जिसकी longer वेवलेंथ होगी ना वो क्या करेगा मोर सिग्निफिकेंटली द वेव प्रॉपर्टी शो करेगा uh, और longer वेवलेंथ होती किसकी है अमूमन देखना किसको मिलता है दैट इज रेडियो वेव्स longer वेवलेंथ का है तो ये वेव नेचर जैसा बिहेव करता है ठीक है और गामा वेव की वेवलेंथ कम है इज द मोस्ट अ पार्टिकल क्यों ठीक है पार्टिकल नेचर क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये कैसा बिहेव करता है पार्टिकल नेचर जैसा बिहेव करता है मतलब उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक एंड वेव जैसा बिहेव कर रहा है और एक एंड पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है बोर मॉडल ऑफ एन एटम अब मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं क्या बोर मॉडल ऑफ एन एटम ध्यान से समझना बोर रुदर के बाद आए उसको ड्रॉबैक सही करने के लिए बोर ने क्या कहा नील बोर प्रपोज द बोर मॉडल ऑफ एन एटम इन 1915 द बोर मॉडल स्टेट दैट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जैसे रुद्र ने भी कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा सेंटर में न्यूक्लियस होगा उसके बाद ऑर्बिट होगा फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट होगा सेकंड ऑर्बिट होगा थर्ड ऑर्बिट होगा और इसी तरह से क्या होगा हमारे पास फोर्थ ऑर्बिट होगा नाम होगा उसका के एल um एन ठीक है एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू थ्री एन इज ईक्वल टू फोर ठीक है मैन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन अ ऑर्बिट दे हैव अ सेट ऑफ साइज एंड एनर्जी मतलब जब ये ऐसे ऑर्बिट uh, करता है ना अपना रेडियस चेंज करता है और ना अपनी एनर्जी चेंज करता है ठीक है द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज रिलेटेड टू द साइज एंड लोअर द एनर्जी इज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट बोलता है जितना जितना कम जितनी कम ऑर्बिट होगा मतलब जितना कम रेडियस

एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू थ्री एन इज इक्वल टू फोर क्या बोला K, L, M एंड एन शल ठीक अगर मैं शल्स को ऐसे लिख लूँ, कैसे n इज इकल टू वन एन इज इकल टू टू एन इज टू थ्री एन इज टू फोर वही शल को मैंने थोड़ा लाइन में बना के रख दिया ताकि अच्छे से समझ आए पहले पहले शल की एनर्जी क्या माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स फिर क्या माइनस थ्री पॉइंट फोर माइनस वन पॉइंट फाइव फिर क्या जीरो पॉइंट एट फाइव तो ये एनर्जी ऊपर जाते हुए बढ़ रही है शेल बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है और उसने ये कहा एक चीज और उसने बोली कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका मास वेलोसिटी रेडियस मास वेलोसिटी रेडियस क्या रहता है कांस्टेंट रहता है कांस्टेंट क्या आता है दैट इज एन एच अपॉन टू पाई एन इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ शेल एन क्या नंबर ऑफ शेल और एच क्या है दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट एच इज व्हाट प्लैंक्स ट है वेरी गुड सर इंपॉर्टेंट फार्मूले थोड़े से याद रख लेने एक किसी भी ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्केर अपॉन जेड स्केयर एन इज द नंबर ऑफ शेल जेड इज द एटोमिक नंबर जेड क्या होता है अटोमिक नंबर अटोमिक नंबर के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ ठीक है आर नॉट की वैल्यू ये होती है दैट इज जीरो पॉइंट फाइव थ्री एम स्ट्रॉन्ग फिर एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलरली सब शेल इज इक्वल टूज इक्वल टू माइनस ई नॉट जेड स्केयर अपॉन एन स्केर और ई नॉट क्या रहता है दैट इज वैट इज ई नॉट ई नॉट इज इक्वल टू थर्टीन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन मतलब कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन घूमता है वो किसके बराबर है v is equal to V0 z upon, and, और V0 किसके बराबर है सेकेंड अब क्या आता है स्पेक्ट्रम मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम पे वो सवाल पूछ सकता है स्पेक्ट्रम क्या होता है स्पेक्ट्रम एक स्क्रीन होती है जिसपे आप अरेंजमेंट करते हो डिफरेंट एनर्जी वेवलेंथ इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम बात समझे कि नहीं है जैसे आपने टेंथ क्लास में ना एक स्क्रीन पे लाइट uh, के सेवन कलर आपने रिप्रेजेंट किए थे वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड ठीक है एक एनर्जी को आपने रिप्रेजेंट किया था फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हाइयर वेवलेंथ फ्रॉम हाइयर फ्रीक्वेंसी टू लोअर फ्रीक्वेंसी ठीक है अगर आप एब्जॉर्बशन वाली एनर्जी को देखो एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं अगर स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन वाली एनर्जी पे रिप्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे होते हैं और वो एनर्जी जो रेडिएट होती है उसको अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको क्या बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी इतनी बात समझ आएगी अच्छा लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एन एटम ये है बोर मॉडल ऑफ एटम ने बोर मॉडल तो बड़ा अच्छे से दिया बट उसका ना थोड़ा सा क्या है लिमिटेशन uh, है लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है मल्टी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये नहीं लगता मतलब ये हीलियम के लिए नहीं लगेगा सोडियम के लिए नहीं लगेगा बात समझे की नहीं है उसके बाद बोर थ्योरी एक्सप्लेन ऑनली स्फेरिकल ऑर्बिट बोर ने सिर्फ गोल ऑर्बिट को समझाया इस ऑर्बिट को समझाया बट जब एलिप्टिकल ऑर्बिट किसी भी मॉडल के अंदर होते हैं एटम के अंदर होते हैं उसके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया है और इसने स्प्ल जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनना जब इलेक्ट्रॉन नीचे आते तो ये लाइन बनती है ना ठीक है ये लाइन line. इन लाइंस में भी लाइंस होती हैं, ठीक है उसके बारे में भी उसने कुछ नहीं बताया है किसने नहीं बताया है दट इज हमारे बोर ने नहीं बताया है ठीक है ठीक है स्प्लिटिंग ऑफ लाइन में स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस के बारे में भी नहीं बताया है इसने ठीक है तीसरा पॉइंट में क्या लिख रहा हूं ही डिड नॉट टेल अस अबाउट द वो जो लाइन्स बन रही थी लाइन दिख रही थी ना स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लिख लेना ये एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है जो मैग्नेटिक फील्ड में लाइन टूटती है ना उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट जीमन एफेक्ट ठीक है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो जो लाइन ऊपर से ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन नीचे आता है एक एनर्जी निकलती है उसको रिप्रेजेंट करता है स्क्रीन पे वो लाइन बनती है ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो टूट जाती है तो उसको बोलते हैं दैट इज स्टार्क इफेक्ट क्या बोलते हैं उसको स्टार्क बशीर साहब यहां पे आपको ना स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट का पता चल गया कि अगर स्पेक्ट्रल लाइन वो जो बन रही है वो टूटेगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो वो होता है जीमन इफेक्ट और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में टूटती है तो उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट ओके सर अच्छा मेरी बात सुनो ये हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम है व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम एक आ, क्या है दैट इज अमीशन स्पेक्ट्रम है ठीक है एमिशन स्पेक्ट्रम है जिसमें क्या होता है जिसमें क्या होता है कि के 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 जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले लेवल से नीचे वाले लेवल पे आती हैं तो वो कुछ एनर्जी को रेडिएट करते हैं और उस एनर्जी को जब हम एक स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे लाइंस आती हैं उसी को हम क्या बोला जाता है हम क्या बोलते हैं उसको दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मैंने क्या बोला लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज अमिशन स्पेक्ट्रम वेन द इलेक्ट्रॉन वेन द इलेक्ट्रॉन लिख दो इधर व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फ्रॉम हाइयर टू फ्रॉम हाइयर टू लोअर एनर्जी लेवल इट रेडिएट इट रेडिएट द एनर्जी एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड द एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन इन द ऑन द स्क्रीन इन form ऑफ इन द फॉर्म ऑफ lines. इन the फॉर्म ऑफ लाइन इसी को क्या बोला जाता है लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल आप ध्यान से देखना देखो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है और पहली शल में गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा एनर्जी रेडिएट होगी ठीक है और वो जो लाइंस बनेंगी उनको बोलेंगे लाइमन क्या बोलेंगे लाइमर ऊपर से नीचे आ रहा है बट एंड 2 में आके गिरा एंड इज इक्वल टू 2 में तो जो लाइंस बनेंगी क्या बोलेंगे बालमर ऊपर से, तो से, तो से नीचे आ रहा है एंड 3 में आ रहा है बशीर साहब तो क्या बोलेंगे पाश्चन ऊपर से नीचे आ रहा है एंड 4 में आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे ब्रैकेट ऊपर से नीचे आ रहा है बट एंड 5 में आ रहा है तो क्या बोलेंगे पी फंड ऐसे ही हमबरी भी होती है और भी सीरीज होती है बस आप याद रखो कि अगर कहीं से भी गिरे कहीं से भी आए और एन वन में गिरे तो लाइनमन कहीं से भी आए एन टू में गिरे तो बालमर कहीं से भी आए एन थ्री में गिरे तो पाशन कहीं से भी आए और एन फोर में गिरे तो ब्रैकेट कहीं से भी आए और एन फाइव में गिरे तो पाशन अब मेरी बात ध्यान से देखना ये लाइन से ना जब आप इधर जाते हो आप जब आप इधर जाते हो तो ये देखो यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी है सबसे ज्यादा एनर्जी ये यहां से इधर यहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़े दूर से आ रहा है यहां से इधर जाते हो तो यहां एनर्जी ज्यादा है यहां से देखो कितना कम है तो यहां से इधर जाते वक्त एनर्जी क्या होती है कम होती है एनर्जी कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है कम होती है क्यों क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू होता है एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी कम तो लैमडा ज्यादा तो वहां से इधर जाने पर एनर्जी क्या करती है कम होती है फ्रीक्वेंसी भी कम होती है वेवलेंथ क्या करती है बढ़ती है होप आपको इतना कंसेप्ट समझ आया होगा देखो बाल्मर रिडबर्ग इक्वेशन ठीक है ये एक इक्वेशन है इसको मैं थोड़ी देर में ड्राइव करूंगा इसमें आपको क्या पता चलता है वेवलेंथ पता चलती है ठीक है ये हमारे पास रिडबर्ग कांस्टेंट है ये हमारे पास क्या है दैट इज एम टू इज द लेवल ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिट और एन क्या है हाइयर एनर्जी ऑर्बिट है आप समझिए कि नहीं ये अगर न्यूक्लियस है ना ये मेरे पास एम आ जाएगा लोअर एनर्जी और ये मेरे पास क्या आ जाएगा एन आ जाएगा Uh, कौन सा हाइयर एनर्जी इसको आप एन टू वन भी लिख सकते हो एन इजी टू टू भी लिख सकते हो जिसको आप के लिखते हो एन लिखते हो तो ये काम क्या करता है ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है ना ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो उसका निकालने में मदद करता है दैट इज बालमर रिडबर्ग इक्वेशन ठीक है इसकी रिडबर्ग फॉर्म इसको रिडबर्ग फार्मूला भी बोलते हैं मैं इधर लिख रहा हूं यह क्या किस में मदद करता है इट हेल्प टू कैलकुलेट नंबर ठीक है ये किसमें मदद करता है वेव नंबर में वेव नंबर क्या होता है वन बाय लैमडा निकालने में मदद करता है या आप इसको क्या लिख सकते हो वेव लेंथ कैलकुलेट करने में भी मदद करता है बता करना क्या होता है देखो जब इलेक्ट्रॉन यहां ऊपर से नीचे जम कर रहा है यहां से जम कर रहा है ठीक है तो यहां पे ये वाली एनर्जी है यहां पे ये वाली एनर्जी है तो एनर्जी लॉस कितना करेगा इसका चेंज तो मैं क्या लिखूंगा डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन अब देखना डेल्टा ई कितनी एनर्जी उसने लॉस की है तो माइनस ई नॉट जेड डिवाइडेड बाय एन टू का माइनस माइनस ये वाला और E1 के साथ भी माइनस है minus E0 N1 का इसमें से कॉमन क्या है कॉमन रहने दो अभी अभी ऐसे डेल्टा ई e लिखो ये माइनस ई नॉट जेड स्केयर डिवाइडेड बाई एन टू का स्केयर माइनस माइनस आ जाएगा प्लस ई नॉट जेड स्केयर डिवाइडेड बाई एन वन का अब मैं क्या बोल रहा हूं डेल्टा ई इज इक्वल टू इसको पहले लिख देते हैं ई नॉट जेड स्केयर डिवाइडेड बाय एन टू का क्या हो जाएगा स्केयर इसको पीछे करते हैं माइनस ई नॉट जेड स्केयर डिवाइडेड बाय एन ये वन आ जाएगा ना इधर यहां पे आएगा वन का स्केयर है ना यहाँ पे आएगा वन का स्केयर क्योंकि ये इधर आ चुका है ये माइनस ये आ जाएगा ई नॉट टू का स्केयर अब थोड़ा सा आप सबर रखोगे वशीर साहब और चीज़ों को अच्छे से देखोगे ठीक है ये मैंने लिखा डेल्टा e कॉमन क्या है कॉमन है मेरे पास ई नॉट जेड स्केयर अंदर क्या बचा वन अपॉन एन वन का स्केयर माइनस वन अपॉन एन टू का स्केयर होप आपको इतना समझ आया होगा ये जो है ना ये डेल्टा ई नॉट ये मतलब डेल्टा ई है आपको पता है कि डेल्टा ई e किसके बराबर होता है दैट इज एच इनटू म्यू प्लांट कांस्टेंट एच म्यू एच म्यू इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्केयर वन अपॉन एन वन का स्केयर माइनस वन अपॉन एन टू का स्केयर ठीक इतना हो गया आगे चलते हैं यार आगे चल जाते हैं ठीक है आगे चलते हैं यहां पे देखो मेरे पास क्या है एच म्यू नॉट e z स्केयर वन अपॉन एन वन का स्केयर माइनस वन अपॉन एन टू का स्केयर बशीर सर आपको समझ आया होगा कि मैंने यही वाला फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला कहां उठा के रखा है आगे ले गया हूं ठीक है जब मैं ये आगे ले गया हूं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी क्या चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो है ना ये एच इसको मैं कैसे लिख सकता हूं म्यू ठीक है म्यू इज इक्वल टू ई नॉट जेड स्केयर अपॉन एच वन अपॉन एन वन का स्केर माइनस वन अपॉन एन टू का क्लियर हुआ, यहां तक हुआ. फिर मुझे एक और पता क्या पता है नाइन्थ में पढ़ा था और म्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो दैट इज सी अपॉन लैमडा तो म्यू कहां पे है ये म्यू इधर है तो इसको रिप्लेस कर लेते हैं क्या लिखेंगे सी अपॉन लैमडा इज इक्वल टू म्यू नॉट जेड स्केयर अपॉन एन

मिल गया है बट आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर है ये पूरा एक कांस्टेंट है देखो ई नॉट भी कांस्टेंट है सी भी कांस्टेंट है एच भी कांस्टेंट है तो ये एक नया कांस्टेंट बनता है जिसको आप लिखते हो आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन का स्केयर माइनस वन अपॉन एन टू का स्केयर ठीक है आर फॉर रफीका रफीका नहीं है रिडबर्ग है क्या है रिडबर्ग और इस आर की वैल्यू होती है दैट इज वन पॉइंट जीरो एट सेवन सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस टू माइनस टू वन अपॉन नैनो मीटर वन अपॉन नैनो मीटर ये क्या आगी दैट इज आर की वैल्यू होगी हमारी और इसको क्या बोलते हैं आर ई वाई डी रिड बर्क कांस्टेंट इसको क्या बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट अगर यहां पे मीटर होगा ना तो उसकी वैल्यू क्या उसकी जो आ, अगर यहां पे यूनिट मीटर होगी ना तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी बात समझ आएगी नहीं ये ध्यान में रखना ये मैंने यहां पे लिखा है 1.07 पॉइंट जीरो टू बार माइनस पर नैनोमीटर पर नैनोमीटर ये हमारा रिडवर्ग कांस्टेंट की क्या आगी वैल्यू हो आगी होप आपको ये चीज समझ आई होगी ठीक है अच्छा अब हमारे पास आता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन एक्चुअली ये क्या बोलते हैं ये बोलती है कि कोई भी चलता हुआ ऑब्जेक्ट है वो वेव की तरह बिहेव करने लग जाता आ, है मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किसी जमाने में वो किसी जमाने में ऐसे मूव करता होता था बट इसके अकॉर्डिंग अब जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है इसलिए वो वेव की तरह मूव करेगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अब ज्यादा पंगा हो गया मसला खड़ा हो गया है अच्छा हमें एग्जाम में ये चीज इस पर डिबेट नहीं आएगी हाँ बस इतना याद रख लेना अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली मूविंग अ बॉडी बिहेव इन अ सर्टेन वेव एज थ्रू हैज वेव नेचर के चलती हुई ऑब्जेक्ट भी वेव की तरह बिहेव करने लग जाता uh, है सॉरी अच्छा इसके बाद क्या है इसके बाद ये है कि हमने ये वाली इक्वेशन ड्राइव करनी है हमें पता है आइंस्टाइन की एनर्जी की इक्वेशन क्या थी थीवल टू एमसी स्केर और प्लांगल टू एच म्यू अगर मैं अच्छे से बोलूं तो ये भी एनर्जी ये भी एनर्जी इन दोनों को इक्वेट कर दो एमसी स्कियर इज इक्वल टू एच म्यू है ना ये लिखेंगे ना और हमें पता है म्यू इज इक्वल टू सी देखना इधर इधर आराम से सुनना ये एच म्यू है ना और मुझे पता है सी इज इक्वल टू लैमडा म्यू होता है और म्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो सी अपॉन लैमडा ठीक है तो एम सी स्केर इज इक्वल टू एच म्यू की जगह क्या लिखेंगे सी अपॉन लैमडा सी अपॉन लैमडा ये और ये कैंसल लैमडा को उठा के इधर ले गए ऊपर ले गए और ये पूरा नीचे कर दिया एच अपॉन एम सी वट इज लैमडा लैमडा इज वेन्थ लैमडा इज प्लैंक्स प्लैक्सेंट एम इज मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट तो मैं अच्छे से लिखूं तो लैमडा ये क्या है, है. यह क्या है एच एम है. क्या है मास है प्लैंस कॉन्स्टेंट में बहुत जगह इसकी वैल्यू आपको बता चुका हूं सी क्या है दैट इज स्पीड आफ लाइट लाइटवा किसकी स्पीड है लाइट की स्पीड है ये बात समझ आई अब देखो ध्यान से ये जो एम सी होता है ना ये ऐसा ही होता है जैसे मास इनटू वेलोसिटी होता है जो किसके बराबर होता है मोमेंटम के बराबर होता है तो ध्यान से देखो तो लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी ये चीज याद रख लेना कि अगर मास ज्यादा हो तो वेवलेंथ कम हो जाती है अगर मास ज्यादा हो तो वेवलेंथ क्या हो जाती है कम हो जाती है जैसे बॉल है 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 उसका मास ज्यादा और वेवलेंथ कम हो जाती जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बॉल की ठीक है जिसमें मास क्या है जिसमें मास क्या है ज्यादा वेवलेंथ कम हो जाती है ठीक है, है? में में? है अगर आप बॉल को ऐसे फेंको तो बॉल क्या करती है ऐसे आती है ना तो ध्यान से देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रही होती है वेव ही बन रही होती है बट आधी वेब बनती है जहां पर मास कम है वहां पर वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है जैसे मैं इलेक्ट्रॉन का बोल रहा हूं मुझे लगता है कि यह वाला लॉजिकली में वो पूछ सकता है लॉजिकल क्वेश्चन में वो पूछ सकता है अच्छा हाइसनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल यह क्या है हाइसनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल देखो यह क्या बोल रहा है यह क्या स्टेट करता है इसको आराम से सुनना बोलता है वी कैन नॉट दोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट एट सेम टाइम बोलता है आप एक वक्त पे एक वक्त पे किसी भी चीज की ना पोजीशन बता सकते हो और ना उसकी वेलोसिटी बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं है ना और मैं मूव कर रहा हूं मेरी बताओ पोजीशन बताओ मेरा कहां पे हूं मैं कहां पे हूं सर आप हमारे सामने मूव कर रहे हो सर आप हमारे सामने कर रहे हो कहां मूव कर रहा हूं मतलब चलते हुए ऑब्जेक्ट की आप पोजिशन नहीं बता सकते बात समझ आई कि नहीं है तो बोर ये गलती कर चुका था बोर ने क्या किया था बोर ने पोजिशन बता दी थी आर नॉट दट इज क्या था एंड स्कीर अपॉन जेड ये इसने उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता दी थी अब पोजीशन बता दी थी तो इसका ये मतलब हो गया पोजीशन बता दी थी रुका हुआ है ना तो रुका तो आप बोलते कि वो पोजीशन है अगर आपके सामने आपका चाचा दौड़ रहा है दौड़ता दौड़ता बस स्टैंड चला गया तो आप उसकी पोजिशन क्या बोलोगे घर पे है कि बस स्टैंड है बस स्टैंड से भी आगे जा रहा है तो चलते हुए ऑब्जेक्ट की पोजिशन हमेशा बदलती रहती है तो उसने पोजिशन भी बता दी थी और वेलोसिटी भी बता दी थी वेलोसिटी इज इक्वल टू उसने था v0 z अपॉन n तो उसने गलत चीज बता दी थी मतलब एक आ, मतलब आप एक ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन बता रहे हो तो वो रुका होना चाहिए बट चलते हुए ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओगे तो वहां पे क्या आ जाएगा एरर आएगा क्या आएगा एरर आएगा गलती आएगी और वो गलती कौन बताता है दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल ठीक है और वो गलती क्या होती है बोलता है जो गलती होगी ना पोजीशन में और जो गलती होगी मोमेंटम में मोमेंटम का मतलब हो गया मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी मतलब जो गलती होगी वेलोसिटी में वो हमेशा बड़ी होगी या इक्वल होगी एच अपॉन फोर पाई के एच अपॉन फोर के द मोर एक्यूरेटली यू कैन नो द पोजिशन दैट इज स्मॉलर दैट इज डेल्टा एक्स द लेस एक्यूरेटली यू नो द मोमेंटम दैट इज लार्ज डेल्टा पी बोलता है अगर आपको पोजिशन पता होगी पोजीशन बता रहे हो तो उसकी वेलोसिटी में कोई गड़बड़ कर रहे हो अगर उसकी वेलोसिटी बता रहे हो तो उसकी पोजीशन में गलती गड़ गड़बड़ कर रहे हो मतलब आप एक वक्त पे चलते हुए ऑब्जेक्ट की पोजीशन

एंड स्पिन क्वांटम नंबर बात आई कि नहीं सबसे पहले कौन सा है दैट इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किसने दिया था बोर ने दिया था रिप्रेजेंटेड बाय द एन रिप्रेजेंट किससे होता है दैट इज और ये क्या देता है नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल देता है ठीक है जब आप इस फॉर्मुले में एन इज इक्वल टू वन निकालते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल दो आता है उसी तरह से दूसरी में आठ आता है फिर अठारह आता है और फिर कितना आता है बत्तीस आता है बट आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि आप दो आठ आठ और दो करके याद रखोगे कहाँ तक कैल्शियम तक इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे ठीक है ये एन है एन है एन है तो एनर्जी का फार्मूला भी इधर ही लग जाता है बोर ने दिया हुआ था रेडियस का फार्मूला भी इधर लग जाता है और वेलोसिटी का फार्मूला भी इधर लग जाता है ई नॉट का बाकायदा मैंने समझा चुका हूं आर नॉट समझा चुका हूं और जेड बता चुका हूं मतलब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये आपको सिर्फ ऑर्बिट या शल्स के बारे में बताता है इसके बाद है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं और टेल आज अबाउट द सब शल शल के अंदर सब शल जैसे आपके पास शेल है के एल एम और एन उसके अंदर शेल है जैसे के के एक शेल है एल की दो शेल है एस और पी ठीक है और एम की तीन शेल है एस पी डी और आ, आ, जो आ, क्या बोलते हैं एन इज इक्वल टू फोर एन इज इक्वल टू फोर सब शेल है चार शेल है देखो जितनी शेल होंगी नंबर ऑफ शेल कितनी शेल है वो शेल नंबर के बराबर है मतलब एन वन है तो शेल कितनी है वन एन टू है तो शेल कितनी है दो थ्री है तो कितनी कितनी है 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 तो कितनी है? 4. अब देखना के के लिए S के लिए S भी है, P भी है, D भी है, F भी है उसके आगे इनके ऑर्बिटल्स होते हैं जो मैं आप थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा ये याद करना है कहीं भी, भी पूछा नहीं जाएगा एस के लिए एल की वैल्यू जीरो वन होती है डी के लिए टू होती, होती है ना F के लिए थ्री होती है बात समझ समझेगी नहीं अब देखो अब जैसे एस के ऑर्बिटल्स कितने हुए एस सब्शल है उसके ऑर्बिटल कितने हुए पी सब्शल है उसके ऑर्बिटल कितने हुए F, uh, F सबशल है उसके ऑर्बिटल कितने हुए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला यहां पर मैं लिख दे रहा हूं यह होता है दैट इज टू एल प्लस वन टू एल प्लस वन तो ध्यान से देखा जाए एस के लिए एल की वैल्यू जीरो है तो यहां एल की जगह जीरो पुट किया तो ये पूरा जीरो हो गया तो कितने ऑर्बिटल हुए इसके एस के कितने ऑर्बिटल है दो एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं दो जा सकते हैं बात समझे कि नहीं इसी तरह के पी के लिए एल की वैल्यू वन है टू इंटू वन प्लस वन टू प्लस वन दट इज थ्री ऑर्बिटल है और हर एक में हर एक में दो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज वैसे डी के लिए कितने पांच ऑर्बिटल है एफ के लिए कितने सात ऑर्बिटल है और हर एक में ऑर्बिटल के डबल जाएंगे इलेक्ट्रॉन मतलब पांच ऑर्बिटल तो दस इलेक्ट्रॉन जाएंगे सात ऑर्बिटल ऑर्बिटल तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे एक दो तीन ऑर्बिटल छह इलेक्ट्रॉन जाएंगे पांच ऑर्बिटल दस जाएंगे और सात ऑर्बिटल चौदह जाएंगे होप आपको यह समझ आया होगा तीसरा है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ठीक है यह आपको इट इज डिनोटेड बाई एम इसकी वैल्यू माइनस एल से लेकर एल तक होती है इसकी वैल्यू क्या होती है फ्रॉम माइनस हैल तक होती है ये एक्चुअली आपको ऑर्बिटल को और अच्छे से करके बताता है जैसे एस है एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है जीरो तो एम की वैल्यू भी क्या होगी जीरो ही होगी ठीक है ना प्लस माइनस जीरो क्या होगा मतलब ये प्लस जीरो से चला होगा जीरो माइनस जीरो तो क्या ये कोई वैल्यू हुई मतलब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको मैं बोल रहा हूं एस के लिए एल की वैल्यू क्या है जीरो तो एम की वैल्यू क्या होगी दैट इज माइनस जीरो से लेकर प्लस जीरो तक ठीक है वो तो सारा जीरो ही होता तो कितने कितना एम की वैल्यू कितनी हुई एक तो उतने ही ऑर्बिटल है कितने ऑर्बिटल है एक है जैसे पी है पी के लिए एल की वैल्यू कितनी हुई वन तो एम की वैल्यूज कितनी हो सकती है माइनस से लेकर प्लस वन माइनस और प्लस तो कितने ऑर्बिटल हुए तीन ऑर्बिटल हुए उसी तरह से डी ऑर्बिटल सबसेल के एल की वैल्यू कितनी है दो तो एम की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती सकती है है माइनस टू से लेकर तो तीन, तो तीन, तो ले तीन तक हमारे पास एम की वैल्यूज होंगी तो कितनी बनेगी एक दो तीन चार पांच छत होप आपको ऑर्बिटल का ऑर्बिटल नहीं पता चल रहा ना और ऑर्बिटल क्या होता है तो मैं आगे चल के दोबारा बताऊंगा ऑर्बिटल क्या होता है जो ऑर्बिटल होता है ना वो वो जगह होती है वो स्पेस होती है वेयर द वेयर द फाइंडिंग वेयर द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैक्स होता है बशीर साहब जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर मिलता है उसके बाद है स्पिन क्वांटम नंबर ये चौथा क्वांटम नंबर है ये डिनोट होता है किससे एस से ये ये बताता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसके लिखेंगे प्लस वन बाई और एंटी क्लॉक वाइज लिखे घूमेगा तो उसको लिखेंगे माइनस वन बाई टू. आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो मतलब माइनस वन बाई को क्लॉक भी लिख सकते हो और प्लस माइनस वन बाई को क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो और प्लस वन बाय टू को एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो होप आपको क्वांटम नंबर अच्छे से समझ आया होगा शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये चीज याद रख लेना कि ऑर्बिटल का मतलब होता है वो जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम के लिए पाया जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता रहता है देखो ध्यान से एस ऑर्बिटल का शेप है स्फेरिकल पी ऑर्बिटल का है डंबल शेप और इसके तीन होते हैं ना पी पीएक्स पीवाई और पीज ये एक्स डायरेक्शन में है ऑर्बिटल ये वाई डायरेक्शन में और ये कौन से है जेड डायरेक्शन में ठीक है और जो डी ऑर्बिटल है वो कैसा होता है फ्लावर लीफ क्लोर जैसा होता है या डबल डम्बल होता है दो बार डम्बल होता है ठीक है दो पीनट्स जैसे होते हैं इसके कितने टाइप हो सकते हैं एक्स वाई प्लेन में हो सकता है वाई जेड प्लेन में हो सकता है जेड एक्स प्लेन में हो सकता है एक्स स्केयर वाई स्केयर जैसा हो सकता है और डी जेड स्केयर होता है जिसकी स्पेशल शेप ये होती है एफ एफ ऑर्बिटल एफ सब्शल के ऑर्बिटल बना सकते हैं नहीं बना सकते क्योंकि वो थ्री में बनते हैं हालांकि ये भी थ्री में बनते हैं बट आपको ज्यादातर एस पी और डी की ही शक्लें पूछी जाएंगी और ये शक्लें आपको आने चाहिए एस का एक ऑर्बिटल पी के तीन ऑर्बिटल की शक्ल याद होनी चाहिए और डी के डी सारे ऐसे ही हैं डी जेड स्केर को छोड़ के सारे ऐसे ही, ये चार के ये चार के चार ऐसे ही हैं ठीक है वो प्लेन चेंज हो रहा है एक्स वाई प्लेन है वाई जेड प्लेन है जेड एक्स प्लेन है एक्स स्केयर वाई स्केयर है और जो जेड स्केयर जो जेड स्केयर वाला ऑर्बिटल है वो इस तरह से दिखता है अच्छा एक डिफरेंस आता है वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ये वो जगह होती है इर्द गिर्द जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रहता है ये सर्कुलर शेप uh, का होता है इसके अलग अलग शेप होते हैं सफेरिकल डम्बल शेप डबल डम्बल शेप ठीक है इट इज प्रेजेंट इट इट रिप्रेजेंट दैट इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ होगा इन अ वन प्लेन ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक ही प्लेन में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है इट रिप्रेजेंट दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस अलॉन्ग द थ्री डायमेंशनल स्पेस एक्स वाई जेड ये बोलता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में मूव कर सकता है ये न्यूक्लियस है तो ऐसे मूव कर सकता है ऐसे मूव कर सकता है ऐसे वेव की तरह मूव कर सकता है ठीक है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज टू एन स्क्वायर एट टू एन स्क्वायर से निकालते थे ना

ठीक इसके लिए कुछ रूल्स हैं जैसे पहला है अफबा प्रिंसिपल अफबा प्रिंसिपल क्या बोलता है बोलता है जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं वो पहले भरे जाते हैं जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये न्यूक्लियस है ये पहली शैल आ गई दूसरी शैल आ गई तीसरी शैल आ गई और चौथी शैल आ गई पहली शैल में पहली शैल में सब कितनी है? एक उसका ऑर्बिटल कितना एक दूसरी सब दूसरी शैल में दो सब हैं एस का एक ऑर्बिटल उसके कितने हैं पी के तीन ऑर्बिटल वैसे तीसरी सबशल में तीन सबशल हैं तीसरी शैल में तीन सब शल और उसके ऑर्बिटल बनाए हैं चार चौथी में चार हैं और उसके ऑर्बिटल्स बनाए और जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हैं वो पहले भरे जाते हैं इसी को बोलते हैं अफबा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं वो निकालते हैं एन प्लस एल रूल से जैसे आपको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल अभी कौन सा दिख रहा है वन एस दिख रहा है ठीक है वन एस ये है

3S, 3P, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. ठीक है 4f तक रुकना है और फिर 5f को भी तक रुकना है 6X, 7X, और फिर आपको बता देता हूं हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटोमिक नंबर वन है तो कैसे लिखूंगा वन एस वन वन एस वन एक पहली शेल उसकी -शेल S में एक इलेक्ट्रॉन गया फिर मैं थोड़ा बड़ा करता हूं जैसे कार्बन सिक्स तो मैं कैसे लिखूंगा वन एस टू टू एस टू वन एस टू टू एस टू टू पी टू बात समझने क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 6 इलेक्ट्रॉन होप आप 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 आपको यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आई होगी जैसे हाइड्रोजन की होगी हीलियम की होगी लिथियम की होगी कैल्शियम की होगी ठीक है कैल्शियम की होगी अच्छा अब मेरी बात ध्यान से समझना जब हम बचपन में होते थे ना तो हम एक रूल याद करते थे नाइन्थ क्लास में कैसे रूल याद करते थे दो आठ आठ दो पहली शल में के में दो आ सकते हैं मैक्सिमम फिर एल में आठ आ सकते हैं फिर एम में आठ आ सकते हैं और फिर के एन में दो आ सकते हैं ठीक है हाइड्रोजन के पास एक ही है तो पहली शेल में कितने आएंगे एक ही आएगा आ, हीलियम में दो हैं तो पहली शेल में दो आएंगे लिथियम के पास तीन होते हैं तो दो पहली में आएंगे फिर एक एक्स्ट्रा आ गया तो दूसरी शेल में चला गया कैल्शियम में बीस है तो इसको कैसे लिखेंगे दो पहली में फिर आठ उसके बाद वाली में फिर आठ उसके बाद वाली में और दो फिर किस में लास्ट वाली में बात समझ आई कि नहीं है आपको ये वाला अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है ट्वेंटी फोर बीस के बाद ये जो नाइन्थ वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो लिखी नहीं जाती ट्वेंटी फोर कैसे लिखेंगे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी फोर ठीक है अब होगा क्या अब ये होगा के यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इधर तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है पे पे क्या लिखूंगा? मैं 4S1 और यहां पे लिखूंगा 3D5. मतलब ये जो फोर एस है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और जो डी वाले ऑर्बिटल हैं पांच उसमें उसमें कितने हैं पांच इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन चार पाँच ये ज्यादा स्टेबल है मतलब ये नीचे वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है ऊपर वाली लेस स्टेबल है ये ध्यान में रखना क्यों क्योंकि इसमें दो रूल आते हैं एक है समिट्री रूल और एक है एनर्जी एक्सचेंज रूल जो मैं आपको अभी समझाऊंगा ठीक कपर में चले जाओ तो यहां पे देखा जाए तो ये गलत है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा ये बचेगा 4s1 ये बन जाएगा 3d10 डी टेन यहां पर क्या होगा 4s में एक इलेक्ट्रॉन है और 3d वाले में d के कितने ऑर्बिटल हैं पांच ऑर्बिटल हैं जिसमें जिसमें कितने हैं आ, दस इलेक्ट्रॉन आते हैं बात नहीं है तो यहां से यह पता चला कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं तो यहां परिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ़ कंप्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशल सबसे पहला है है एक बाकायदा एक जब हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड लिखते हो ना आप जैसे ये हाफ फील्ड है ये हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड है तो एक सिमिट्री नजर आती है ठीक है एक सिमिट्री का रीजन है ठीक है जब आप फुल्ली फील्ड लिखते हो फुल्ली फील्ड लिखते हो तो तब भी एक क्या होती है सिमिट्री होती है ठीक है फुल्ली फील्ड में क्या होती है सिमिट्री होती है एक दो तीन चार पांच ये भी आपने थ्री लिखा ना थ्री डी नहीं थ्री तो होता ही नहीं है ये होता है थ्री होता है ना यार थ्री और ये भी क्या लिखा आपने थ्री लिखा एक तो एक सिमिट्री की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है जितना सिमिट्री में होगी चीजें वो ज्यादा स्टेबल होती है केमिस्ट्री में इट इज वेल नोन दैट द सिमिट्री लीड्स टू द स्टेबिलिटी ठीक है दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज एनर्जी का मतलब हो गया जितना इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा देखो अगर आप ध्यान से देखो ये 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 ध्यान से देखो एक दो तीन चार ठीक है ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्र इन सब की एनर्जी क्या है बराबर है तो ये इलेक्ट्रॉन एक बार जम करके इधर जा सकता है इधर जा सकता है इधर जा सकता है इधर जा सकता है वैसे ये वाला भी इधर जा सकता है ऐसे जा सकता है ऐसे जा सकता है, है वो वाला उधर आ सकता है तो ये एक्सचेंज करते हैं अपनी जगह को और यहां पे एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी और यहां पे बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाता है जैसे ये देखो ये किसके साथ एक दो तीन चार ये किसके साथ एक दो तीन चार एक किसके साथ एक दो तीन के साथ ये किसके साथ एक और दो के साथ तो जितना देखो एक जैसे हैं जगह एक्सचेंज करेंगे बहुत सारी एक्सचेंज एनर्जी निकलेगी और उसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं मतलब जितना कूदेगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा स्टेबल होगा सर कुछ और एग्जांपल एक दे दो देखो ध्यान से अगर मैं अच्छे से बात करूँ ना इस इधर देखो ये एक ये दो ये तीन ठीक है ये फुल्ली फिल्ड है और ये एक और ये एक अब मुझे ये बताओ इन दोनों की पोजीशन बराबर है ना इन दोनों की एनर्जी इक्वल है तो ये एक्सचेंज थोड़ा ही कर पाएगा ना तो ये क्या होगा कम स्टेबल होगा ये वाले जो फुल्ली और हाफ फिल्ड होते हैं इनमें एनर्जी लेवल सबका बराबर होता है अपनी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं कूद सकते हैं मैक्सिमम जगह अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे जिसको एक्सचेंज एनर्जी बोलेंगे जिसकी वजह से इनमें क्या जाती आ जाती है स्टेबिलिटी आ जाती है चाहे मैं हाफ़ फील्ड की बात करूँ चाहे मैं फुल्ली फील्ड की बात करूँ पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है बोलता है जिस तरह से दो इंसान का एड्रेस कभी भी सेम नहीं हो सकता जैसे मैं हूं और आ, मेरे साथ ही खड़ा है बशीर अगर मेरे मेरे से ये सवाल पूछा गया कि आपकी कॉन्टिनेंट क्या है तो मैं बोलूंगा एशिया इसका क्या है बशीर का एशिया मेरे से पूछा गया कि कंट्री कौन सी है इंडिया इससे पूछा गया तो वो क्या बोलेगा कंट्री कौन सी है इंडिया इंडिया में मेरे से पूछा गया यूनियन टेरिटरी कौन सी है तो जम्मू कश्मीर यह भी बोलेगा जम्मू एंड कश्मीर पूछा जाएगा सिटी कौन सी है मैं बोलूंगा पुंछ यह भी बोलेगा क्या पुंछ मोहल्ला कौन सा है रेडियो स्टेशन ये भी बोलेगा रेडियो स्टेशन हाउस नंबर कौन सा दैट इज फोर हंड्रेड एटी थ्री फोर हंड्रेड एटी थ्री फोर हंड्रेड थ्री में रूम नंबर कौन सा फर्स्ट रूम नंबर कौन सा फर्स्ट रूम नंबर फर्स्ट में अब देखो ध्यान से रूम नंबर फर्स्ट में बोर्ड के पास मैं हूँ थोड़ा सा आगे ये भी बोर्ड के पास थोड़ा सा आगे बट ध्यान से देखा जाए अब मेरा एड्रेस और इसका एड्रेस क्या है बिल्कुल अलग एंड में आके अलग हो गया क्योंकि मेरी ये पोजीशन है उसकी ये पोजीशन है तो कभी भी किसी भी दो चीजों की पोजीशन सेम नहीं हो सकती वैसे ये बोल रहा है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन होता है जैसे क्या होता है ये एटम होता है एटम में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी पोजीशन कभी भी सेम नहीं हो सकती ठीक है पोजीशन सेम का मतलब क्या हो गया कि क्वांटम नंबर इसके सेम नहीं हो सकते बात समझिए यही जैसे खुद ही ले लो जैसे आ, आ, मीरा कोई लड़की है जो मुझे देख रही है अभी अब उसका एड्रेस और मेरा एड्रेस बोलते हैं मैंने बोला मेरा एड्रेस है कॉन्टिनेंट एशिया उसका एड्रेस है कॉन्टिनेंट एशिया कंट्री इंडिया उसकी भी क्या है कंट्री इंडिया अब सिटी कौन सी है दैट इज़ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर उसकी भी जम्मू एंड कश्मीर मेरी सिटी है पुंच उसकी सिटी श्रीनगर होगी तो हम दोनों का एड्रेस क्या हो गया सेम हो गया अलग अलग हो गया तो किसी भी दो चीज़ का या दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी एड्रेस सेम नहीं हो सकता जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है है ना दो इलेक्ट्रॉन है ये दो इलेक्ट्रॉन है इसका एन इजिकवल टू वन एन इजिकल टू वन एन इजिक्वल टू वन एस के लिए एल की वैल्यू जीरो एल की वैल्यू जीरो जो एल की वैल्यू होती है वही एम की वैल्यू होती है बट इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है, उसके लिए एस की वैल्यू ए के लिए एस की बाई हो जाएगी, और A के लिए बस की वैल्यू क्या हो जाएगी बाई मतलब ऊपर वाले तीन, चार अगर सेम भी आते हैं बट एंड वाला क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं आएगा जैसे मेरा और मीरा का कॉन्टिनेंट कंट्री यूनियन टेरिटरी सेम थी बट हमारी सिटी क्या थी अलग अलग थी होप आपको ये चीज समझ आई होगी देखो

और फिर दो दूसरे में जाके पेयरिंग कर दी क्या मैंने सही किया ना पहले क्या होगा पहले हर एक फिल होगा मतलब जितने ऑर्बिटल हैं वो सिंगली फील्ड होंगे और फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी जैसे 2p4 है तो 2p4 को आप कैसे लिखोगे पहले पूरे ऑर्बिटल भरोगे सिंगली एक दो तीन और फिर उसके बाद आपकी क्या होगी पेयरिंग ये सही है ये सही है अच्छा अगर कभी आपको टू पी फोर ऐसे बोला जाए कि यार ये तीन ऑर्बिटल हैं आपने पेयरिंग इधर भी कर दी इधर भी कर दी क्या ये सही है ये बिल्कुल क्या है गलत है बात समझे कि नहीं आई होप आपको ये वाला वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा जिस बच्चे को जो भी डाउट है वो प्लीज खुलकर मुझे मैसेज कर सकता है कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है कि सर मेरा ये वाला डाउट है ये वाला डाउट है ये, ये दोबारा समझा दो ये दोबारा समझा दो मैं दस बार आपको समझाने के लिए तैयार हूं बस आप मेहनत करते रह, रहो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि जो ये मैंने पढ़ाया है इसकी पी डी मिलेगी इसकी पी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर लिंक करना आपको दो बार दो तीन बार सर्च करोगे आपको पूरा नोट्स वगैरह मिल जाए ये ठीक है थैंक यू थैंक यू सो मच अगर नोट्स नहीं मिलेंगे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पर फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई वीडियो क्या नए वन शॉट में मिलेंगे दैट इज स्ट्रक्चर दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अल्लाह राखा देख लियो टाइम क्या हो रहा है दो बज के दस मिनट शहरी का वक्त होने वाला है और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मतलब मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो आपको भी मेहनत करने की बहुत बहुत जरूरत है मिलते हैं किसी और नई वीडियो में तब के तब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अल्लाह राखा शुभरात्रि जय हिंद